हेलो गाइज, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाई के बारे में। हमारी आंख की पलकों के ऊपर जो फुंसी टाइप हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल कंडीशन हो जाती है वो। उस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करना पड़ता है, हमारी आईलिड को हम ना बंद कर सकते हैं ना खोल सकते हैं। साथ ही हमारी आईलिड जो होती है, हमारी आँख की पलक, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल सूज जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है और उसके अंदर बहुत सारा पस जमा हो जाता है। तो बेसिकली उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे हम उसको ठीक करें, अगर हमारी आँख की पलकों पे भी गुहेरी आ गई है, हमारी आँख की पलकों पे भी फुंसी टाइप हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। होता क्या है, हमारी आँख की जो पलकें होती है, आईलिड होती है, उनके अंदर ग्लैंड होती है जिनको मेबोमियन ग्लैंड बोलते हैं, जिसके अंदर से टीयर हमारी आंख में निकलते हैं और हमारी आंख के अंदर आते हैं। जब हमारी आंखों की टीयर फिल्म या फिर मेबोमियम ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है आईलेट के ऊपर, उसमें कोई भी इन्फेक्शन टाइप हो जाए या फिर कुछ किसी भी वजह से कोई भी वहां पे ब्लॉकेज हो जाए, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन चला जाए और उसके अंदर हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से ग्लैंड्स के अंदर पस जमा हो जाता है। पस जमा होने की वजह से वो पस हमारी आंख में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा सीवियर पेन फील करना पड़ता है, पेन से सफर करना पड़ता है। तो अपने को क्या करना है, जब हमारे ये ऐसी कोई गुहेरी हो जाती है तो हमको याद रखना है, हमारे बालों में डैंड्रफ तो नहीं रहता। अगर बालों में भी डैंड्रफ रहता है, कई बार उसकी वजह से हमारे आंख तक उसका असर आता है, इन्फेक्शन आता है, जिसकी वजह से हमारी पलकों पे भी इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ये गुहेरी निकल जाती है। तो बहुत लोग इतना परेशान होते हैं इससे, उनको बार बार ये निकलती है, हम एडवाइस करते हैं उनकी पलकों को क्लीन रखने के लिए, बार बार निकलती हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसको उनको बहुत ज़्यादा पेन बार बार सफ़र करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको अगर हमारे भी ऐसा होता है, हमारे भी गुहेरी निकलती है, तो हमको अपना एक अपनी आंख की पलक को साफ करना है। साथ ही उसके साथ हमको गरम सूखे कपड़े का उस पर सेक करना है, गरम सूखे के सेक को हल्का हल्का दबा के करना है, जितना आप सह सकते हो थोड़ा गरम लेके उसको, अपनी आंख की पलकों को आपको सुबह दोपहर शाम दो तीन बार दिन में सेक करना। उसके बाद जब वो फुंसी की चोंच बन जाएगी, जब वो फूटने वाली होगी, तो मीठा सोडा एक कटोरी में लेना है, मीठे सोडे में डिप कर करके उसको पूरा फोड़ के साफ कर लेना है। उसके साथ अगर हम दवाई की बात करें तो कोई भी एंटीबायोटिक आप खा सकते हैं, जिससे आपकी आंख की पलक जल्दी रिलीफ होगा, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर आपको दवाइयां प्रॉपर चाहिए तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो वो आपकी बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो ये ऐसे अपनी आंखों की पलकों को सही रखें, साफ रखें। बाकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे आंखों की जो पलकों की इन्फेक्शन होती है, बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन होते हैं, ब्लेफराइटिस होता है या फिर हमारी आईलिड इन्फ्लेमेशन, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ड्राइनेस हो गया या फिर हमारी आंखों की ये फुंसियाँ हो गई, कलेजियन, ये सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। उसके बारे में अगली वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।